हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और फ्रेंड्स आज मैं लेके आई हूं पीनट चटनी, जिसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसका बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, खाने में उतना ही ज्यादा टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स मैंने पैन में डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। इसमें हम डालेंगे पीनट यानी मूंगफली और इसे भून लेना है फ्यू मिनट्स के लिए, जब तक इसका कच्चापन नहीं चले जाए। इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना ये जल जाता है, टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इस तरह से हम भून लेते हैं इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए। तो मूंगफली हमारी भून चुकी है, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी बचे हुए ऑयल में मैं डालूंगी 1 टीस्पून के बराबर जीरा। साथ में मैंने डाला है 3 हरी मिर्च को स्लिट करके। आप चाहे तो ज्यादा मिर्च डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है चटपटा उस हिसाब से ऐड। इसमें मैंने डाला है 2 टमाटर क्यूब्स में कटे हुए और इसे रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर चलाते हुए। बस इसका जो ऊपर सा लेयर है बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाना चाहिए, हल्का सा रोस्ट हो जाए, ओवर कुक नहीं करना है हमें। तो ये रोस्ट हो चुका है, मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया पत्ता और इसे भी हम हल्का सा फ्यू सेकंड्स के लिए चला लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं यानी जिंजर गार्लिक, उसे भी इस तरह से भून सकते हैं। और ये भूनने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। सेम प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने फल्ली निकाला था। ये ठंडा हो चुका है, अब मैं इसे डालूंगी मिक्सी जार में और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, साथ में 1 टीस्पून के बराबर लेमन जूस यानी नींबू का रस और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम पीस लेंगे। बहुत ज्यादा भी थिक या बहुत ज्यादा पतला चटनी हमें नहीं बनाना है, तो मैंने इसमें पानी डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट में पीस लिया है। तो ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसकी तैयारी करते हैं टेम्परिंग की यानी तड़का। तो मैंने डाला है एक पैन में 1/4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल, साथ में 1 टीस्पून के बराबर मस्टर्ड सीड यानी सरसों के दाने, फ्यू करी लीव्स और साथ में 2 लाल मिर्च ऐड किया है। इसे पकाने के बाद मैं इसे ऊपर डाल दूंगी चटनी के ऊपर और ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे पकोड़े वड़े के साथ इडली के साथ आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस चटनी को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने लंच और डिनर में, जिससे आपका खाने का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना लेटेस्ट अपलोड दूं वो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।